ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो सिर्फ जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से आप सभी को परिश्रम करना है कि हार भी शर्म से हार जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने RRB ELP और टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए इंजीनियर ड्राइंग की क्लास लगातार लेते आ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमने इंजीनियर ड्राइंग की जो पहली यूनिट है उसकी अप्रॉक्स से समझ लीजिए आज लास्ट क्लास है। आज के बाद यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इससे पहले हमने टोटल 6 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आज पहली बार देख रहा है, तो मैं बस उससे यही कहना चाहूँगा कि आप फर्स्ट क्लास जहाँ से मैंने सिलेबस बताना स्टार्ट किया था वहाँ से इन क्लासेस को देखना स्टार्ट करें, और यहाँ तक आते आते आप अपने आप में इतना चेंज पाओगे कि आप भी कहोगे कि सर इंजीनियर ड्राइंग तो बिल्कुल ईजी लग रही है। इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया फ्रेंड्स, कि आप एक बार जरूर मेरे कहने से लेके देखिए, इन पूरे चैप्टर को कवर कीजिए, आप इंजीनियर ड्राइंग में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये इंजीनियर ड्राइंग की यूनिट फर्स्ट की लास्ट क्लास है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, यानी कि जो आपकी कल क्लास होगी उसमें, हम इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आपके अभी तक प्रीवियस ईयर ALP और या फिर किसी भी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी की मांग थी कि सर क्वेश्चंस भी कराइए, तो मैं बता दूँ कि कल की जो क्लास होगी उसमें हम जितने भी टॉपिक मैंने ये पढ़ाए हैं वो सारे के सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास बिल्कुल मत मिस करिए, और कल की क्लास को लेने से पहले आप ये सारे टॉपिक पढ़ के आइए और आप ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें सही हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, और आपको ये देखना है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर तैयार करके आइए, जो भी टॉपिक मैंने इस यूनिट से कवर कराए थे, और कल की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना, जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियर ड्राॅइंग में, जिसका नाम है फ्रेंड्स स्केल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में इसीलिए लिया था क्योंकि स्केल थोड़ा लंबा टॉपिक पड़ जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसमें मैं आपको अच्छी तरीके से इसे समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्केल, सबसे पहला पॉइंट कि स्केल बना किसका होता है, तो आपको याद रखना है ट्रांसपेरेंट मटेरियल या फिर लकड़ी, ठीक है ना। आपने स्केल जो देखे होंगे फ्रेंड्स वो दो टाइप के देखे होंगे, एक तो आपके जो बॉक्स में निकलता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और एक स्केल आपने किसका बना हुआ देखा होगा, लकड़ी का, लकड़ी का भी सबने देखा होगा, येल्लो कलर की लकड़ी का आपको स्कूल में मिल जाएंगे, बहुत सारे स्कूल में रखे होते हैं, ठीक है। तो स्केल मेनली दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है प्लास्टिक का, एक होता है लकड़ी, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में क्या होता है कि वो तो स्केल, एक तो ये मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट होता है, एक लकड़ी का होता है, एक स्केल और होता है फ्रेंड्स। एक स्केल और कौन सा होता है कि आपने कभी मैप देखा होगा, इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप, तो उस मैप के लास्ट में कोने में देखना एक स्केल लिखा होता है, जिस पर डला होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो वो भी एक क्या होता है, स्केल होता है। तो स्केल दो तरीके के होते हैं, एक तरीके से अगर हम कहें कि जो आपने प्लास्टिक और लकड़ी का देखा ना वो पैमाना है, ठीक है ना, स्केल का मतलब पैमाना ही होता है, एक्चुअली उन्हें पैमाना बोला जाता है। बट स्केल क्या होता है, जो मैप में जो डिस्टेंस को दर्शाने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो होता है स्केल, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में भी जो आप डिस्कस करने जा रहे हो फ्रेंड, वो स्केल एक तो यही वाली है, लकड़ी वाली, ठीक है ना, लकड़ी और प्लास्टिक वाली। और दूसरा आपका जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्कस होगा, जब भी हम स्केल का नाम लेंगे तो आप लकड़ी और प्लास्टिक वाली दिमाग पर मत लाना। स्केल का मतलब इंजीनियर ड्राइंग में होता है फ्रेंड्स कि आप कोई भी डिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए जिस मापन का यूज़ कर रहे हो उसे बोलते हैं स्केल, ठीक है ना। यानी मेनली हम कहें कि यहाँ पर जो स्केल हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, उसके मेनली दो उपयोग होते हैं, ठीक है ना। जो स्केल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इंजीनियर ड्राइंग में, इंजीनियर ड्राइंग जैसे हमारे पास मान लो ड्राइंग शीट है, हम उस पर कोई चित्र बनाया और उसके कोने में हमने स्केल लिखी, ठीक है ना, तो वो स्केल होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप स्केल वो वाली मन दिमाग में लाना कि आपने जो प्लास्टिक की देखी, लकड़ी की देखी, ठीक है, हालांकि होती वो भी स्केल है पर वो फिक्स होती है, ठीक है ना, उसमें 15 सेंटीमीटर, तो आप 15 सेंटीमीटर ही नाप पाओगे, ठीक है। बट इंजीनियर ड्राइंग में उसका कम यूज होता है, इंजीनियर ड्राइंग में हम इस वाली स्केल का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें स्केल का उपयोग, स्केल का पहला उपयोग ये है कि बड़ी वस्तु को छोटा करके दर्शाना, ठीक है, यानी कोई हमारे पास बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है उसको छोटा करके हमें दर्शाना है, तो फ्रेंड्स हम किसका यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंजीनियर ड्राइंग के लिए, कैसे,
जैसे मान लो आपको किसी बड़ी मशीन का, बहुत बड़ी मशीन है, बड़ी मशीन का क्या बनाना है, फिगर बनाना है अपने A4 साइज़ के पेपर पर। तो आप बड़ी मशीन का आपने देखा होगा, बड़ी मशीन का इजीली A4 साइज़ पर हम क्या बना देते हैं, फिगर बना देते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बोलें आपका मकान होगा, ठीक है ना, जब हम मकान बनवाते हैं फ्रेंड्स, तो मकान का जो पूरा नक्शा होता है वो एक एक पेज पर बन जाता है, जबकि मकान कितना बड़ा होता है, ठीक है ना। मकान जितना बड़ा क्या पेज होता है क्या, नहीं होता, बट हम उस पूरे मकान को किस पर बना देते हैं, पेज पर बना देते हैं। कैसे बना दिया हमने, तो फ्रेंड्स उसमें हमने स्केल का यूज़ किया। स्केल का मतलब कि जब भी आप उस मैप को देखोगे तो आप नीचे लिखा पाओगे कि इस दीवार की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1000 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो वो स्केल इंडिकेट कर देते हैं, और वो स्केल बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करने में और छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो स्केल के दो यूज़ होते हैं, कि एक बड़ी वस्तु को छोटा करके दर्शाना और छोटी वस्तु को बड़ा करके दर्शाना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई छोटी वस्तु है, मशीन का कोई बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब उसे हमने ड्राइंग में बनाना है, तो हम बड़ा करके उसको बनाते हैं, और बड़ा करके बनाने के बाद नीचे स्केल डाल देते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर है, ठीक है ना, या फिर 1000 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वो होती है स्केल। अब मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो स्केल कौन सी स्केल होती है, कि जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दर्शाए। जैसे आपने अपने छोटे पर आर्ट में एप्पल बनाया होगा, आर्ट के पेज पर, क्या वो एप्पल उतना ही बड़ा होता है जितना आप बड़ा बनाते थे, नहीं होता ना। जो रियल में एप्पल बड़ा होता है और आपने एकदम छोटा सा बना दिया, तो आपने क्या किया, स्केल का ही तो यूज़ किया, ठीक है ना। यानी बड़ी चीज़ को आपने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो यही होता है स्केल का काम, ठीक है। स्केल का काम क्या होता है, दो होते हैं, कि बड़ी वस्तु को छोटा करके दर्शाना ड्राइंग शीट पर, और या फिर छोटी वस्तु को बड़ा करके दर्शाना ड्राइंग शीट पर। ये सारे काम किसकी ये जो काम होते हैं उसमें किसका यूज़ होता है फ्रेंड, स्केल का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका यूज़ स्केल का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से 99% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है फ्रेंड स्केल फैक्टर। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। स्केल फैक्टर क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक एक तरीके से हम कहें कि जब छोटी चीज़ को बड़ा करके दर्शाना या बड़ी चीज़ को छोटा करके दर्शाना, यही होता है, इसे ही बोला जाता है फ्रेंड स्केल फैक्टर, ठीक है ना। तो समझ में आया स्केल फैक्टर क्या होता है। स्केल फैक्टर एक तरीके से छोटी रियल इमेज और जो आपने बनाई है ड्राइंग शीट पर, उनका क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है ना। तो स्केल फैक्टर का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्केल फैक्टर बराबर क्या होता है, ड्राइंग में किसी रेखा की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई, ठीक है। तो स्केल फैक्टर का आपके क्वेश्चन में एक बार पेपर में यही पूछा गया था कि स्केल फैक्टर किसके बराबर होता है, और आपको चार ऑप्शन में ये रेशियो दिए गए थे, ठीक है। तो रेशियो आपको ध्यान से याद रखना है, ऊपर क्या होता है, ड्राइंग में किसी रेखा की लंबाई, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, ऐसे ही ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई, लेंथ ऑफ रियल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो रियल लेंथ है वो नीचे होती है, और ड्राइंग में जो आप उसकी लेंथ ले रहे हो वो कैसी होती है, ऊपर होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट करके इंपॉर्टेंट डाल लेना फ्रेंड्स, ये रेशियो 101% चांस होते हैं आपके एग्जाम में पूछने के, कि स्केल फैक्टर किसके बराबर होता है। तो आप याद रखना, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू ड्राइंग में किसी रेखा की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, ये क्या रेशियो समझा रहा है, तो उसे समझिए ध्यान से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखना ध्यान से। स्केल फैक्टर बराबर, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और इसकी लंबाई है मान लो कितनी, 10 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसको अपनी ड्राइंग शीट पे बनाना है। तो ड्राइंग शीट पे अगर हम इसे 10 किलोमीटर लंबे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, क्या ड्राइंग शीट पे बन जाएगी, वो नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और स्केल का यूज़ कर हमने ये बोल दिया कि अब इस 10 किलोमीटर वाली जो ये 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस 10 किलोमीटर को हम डायमेंशन में कैसे नाप रहे हैं, इस 10 को हमने मान लिया है 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है ना। इस 10 किलोमीटर को हमने क्या मान लिया है, 1 किलोमीटर मान लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब तो इसका स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/10 या फिर हम 1:10 बोलेंगे। कहने का मतलब कि जिस जो अब जो ये नीचे है, तो नीचे ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई, वही तो मैंने लिखा है। देखो नीचे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई। तो ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई कितनी थी, 10 किलोमीटर। फिर ऊपर मैंने क्या लिखा, ड्रॉइंग में किसी रेखा की लंबाई, और ड्राइंग में हमने उस 10 किलोमीटर को फ्रेंड्स क्या मान लिया, 1 किलोमीटर मान लिया, ठीक है ना। तो यही जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को बोलते हैं स्केल फैक्टर। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो स्केल फैक्टर क्या होता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई अपॉन ड्राइंग में किसी रेखा की लंबाई, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 10 हो, अगर यहाँ 100 है तो आप 100 मान लो, या फिर एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, इसकी लंबाई मान लो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, या 1 mm है, तो बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको हमने ड्राइंग शीट पर बनाना था, हमें बड़ा करके बनाना था, तो हमने 1 सेंटीमीटर को
ये रियल थी, रियल लेंथ थी किसकी, ऑब्जेक्ट की। इसको हमने 1 सेंटीमीटर को फ्रेंड किसके बराबर मान लिया, 20 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। तो इसका जो स्केल फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20:1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 थी और हमने मानी कितनी है ड्राइंग शीट पर, 20, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 थी, मानी कितनी है हमने 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु का स्केल फैक्टर निकाल सकते हैं। निकालने को भी आता है, उसकी प्रैक्टिस हम जब क्वेश्चन करेंगे तब तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि निकालने के लिए कैसे आता है, ठीक है। अभी सिर्फ बस आपको इतना याद रखना है कि स्केल फैक्टर में क्या होता है, नीचे होता है ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई और ऊपर होता है ड्रॉइंग में किसी रेखा की लंबाई, ठीक है। तो इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के। अब इसकी बेस्ड पर हमने स्केल 3 पार्ट्स में रेशियो बनेंगे आपके, ठीक है ना। स्केल के कितने रेशियो बनते हैं, 3। अगर 1:1 बनता है फ्रेंड, 1:1 कब बनेगा कि जब, अब देखो यहाँ पर भी 1, ये भी 1 बन रहा है फ्रेंड्स और ये भी 1 बन रहा है, यानी दोनों कैसे बन रहे हैं, सेम। यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई अगर 1 मीटर है तो फिर उसकी ड्राइंग में भी उसको कितना माना गया है, 1 माना गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी आप उसकी ड्राइंग शीट में क्या बना रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्केल फैक्टर 1:1 कब हो सकता है, मुझे ये बताओ, ठीक है ना, स्केल फैक्टर 1:1 कब हो सकता है, तो वो तब हो सकता है जब वो इस स्केल फुल साइज स्केल का यूज़ कर रहा हो। किसका यूज़ कर रहा हो, फुल साइज। फुल साइज का मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी, उतनी ही डायमेंशन की वो उसकी ड्राॅइंग बना रहा है ड्राॅइंग शीटों में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर मान लो ये 10 किलोमीटर लंबा था या 1 सेंटीमीटर लंबा था बॉक्स, और जैसे अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर लंबा बॉक्स है और ये ड्राॅइंग सेंटीमीटर पर भी 1 सेंटीमीटर लंबा बनाएगा, तो फ्रेंड्स कितना बनेगा इसका, स्केल फैक्टर 1:1, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो स्केल फैक्टर 1:1 कब होता है, जब फुल साइज होगा, ठीक है। फुल साइज का मतलब कि अगर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी वो ड्राइंग शीट पर उसकी इमेज बनाए, ठीक है। अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इतनी बड़ी वहाँ पर, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ 10 मीटर है और वो ड्राॅइंग शीट पर भी 10 सेंटीमीटर ही की लाइन खींच रहा है, तो समझ लेना उसका स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, 1:1 होगा, ठीक है ना। और उस 1:1 का मतलब क्या हुआ, फुल साइज, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी उसकी ड्राइंग शीट पर इमेज बनेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है, इस कंडीशन में स्केल फैक्टर हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऐसे मतलब स्केल फैक्टर हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, जब रेशियो 1:1 होगा और जब स्केल फुल साइज स्केल का हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा 2-3 तरीके से घुमा घुमा के, कि ये बताइए कि फुल साइज स्केल में स्केल फैक्टर का रेशियो क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1:1, या फुल साइज स्केल में जो स्केल फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा, 1 का बड़ा होगा, तो आप क्या रखना है, 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा हूँ 1:1 कैसा भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने कोई स्केल फैक्टर लिया, ठीक है ना, जैसे आपने कोई मान लो ऑब्जेक्ट लिया, उसकी लंबाई मान लो 15 सेंटीमीटर थी और आपने ड्राॅइंग शीट पर भी जब बनाया तब भी आपने लंबाई कितनी ली, 15 सेंटीमीटर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट था 15 सेंटीमीटर का और ड्राइंग शीट पे भी आपने 15 सेंटीमीटर का बनाया फ्रेंड उसे, तो फिर इसका स्केल फैक्टर कितना होगा, तो आप आंखें बंद करके आंसर लगा देना 1:1। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका उतनी बड़ी अगर आप इमेज बनाओगे तो वहाँ पर स्केल फैक्टर 1:1 होता है, वहाँ पर स्केल लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना, क्योंकि जितना बड़ा आपका स्केल फैक्टर था उतना ही बड़ी आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्केल फैक्टर जब 5:1 हो। 5:1 यहाँ पर 5 और 1 का मतलब नहीं है, इस यहाँ से आपको ये समझना है कि 5:1 हो, 8:3 हो, या 1:11 मान लो 1:5 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको समझना है वो ये समझना है, इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है ना। ये 5:1 सिर्फ हमने समझाने के लिए लिया है। 5:1 का मतलब सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, देखो ये नीचे वाली होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई कितनी है, 1, और जबकि रिप्रेजेंट उसे ड्राइंग शीट पर कितना, 1 लंबाई को ड्राइंग शीट पर कितना दिखा रहा है, 5, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई 1 है और रिप्रेजेंट कितना कर रहा है फ्रेंड उसे, 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि छोटे ऑब्जेक्ट को ये बड़ा करके दिखा रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, ऑब्जेक्ट की लंबाई 1 है और वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड कितना, 5। ऑब्जेक्ट की लंबाई 1 है, ड्राइंग शीट पर बड़ा करके 1 को किसके बराबर कर रहा है, 5 के बराबर, तो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है। तो बताइए जब ऑब्जेक्ट को बड़ा करेगा तो स्केल कैसी होगी, इनलार्ज स्केल होगी, ठीक है ना, कैसी स्केल होगी, इनलार्ज स्केल, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई नीचे कैसा हो, छोटी वैल्यू हो, ठीक है ना, और ऊपर अगर आपकी बड़ी वैल्यू हो फ्रेंड, तो समझ लेना वहाँ पर जो स्केल होगी वो कौन सी होगी, इनलार्ज स्केल होगी। क्यों, क्योंकि जब वस्तु छोटी, वस्तु की लंबाई छोटी है और उसको दर्शा जो ड्राइंग शीट में बना कैसा रहा है, बड़ा
बड़ा बना रहा है, तो उस केस में इसकी जो स्केल होगी वो कैसी होगी, इनलार्ज स्केल, ठीक है ना। अब इनलार्ज स्केल में ये वाली संख्या छोटी होती है, ये बड़ी होती है, यानी 5:1। तो जब 5/1 करोगे यानी कि ऊपर वाली हमेशा कैसी रहेगी, बड़ी, और नीचे वाली हमेशा कैसी रहेगी, छोटी। तो जब नीचे वाली हमेशा छोटी हो ऊपर बड़ी हो, तो जब आप उसका डिवाइड लगाओगे तो बताओ क्या आंसर पॉइंट में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। अगर ऊपर वाली बड़ी है यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, आपका आंसर हमेशा पॉइंट से बड़ा या फिर एक से बड़ा आएगा। इस वजह से इस केस में जो आपका स्केल फैक्टर होता है फ्रेंड वो होता है एक से बड़ा, ठीक है ना। यानी जब इनलार्ज स्केल होगा तो स्केल फैक्टर एक से बड़ा होगा, और रेशियो क्या होता है, 5:1 नहीं होता, याद रखना, ये 5:1 नहीं रटना है, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, बस आपको ये समझना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा और न्यूमिनेटर कैसा होगा, बड़ा होगा। पेपर में 5:1 नहीं आएगा, पेपर में वो मान लो सीधा रेशियो आपको दे देगा, देखो ध्यान से, पेपर में इस तरीके से दे देगा कि 75:72 है, किसी वस्तु का स्केल फैक्टर 75:72 है, तो बताइए कि वो स्केल किस टाइप की स्केल होगी, फुल साइज स्केल होगी, इनलार्ज स्केल होगी, या रिड्यूसिंग स्केल होगी। तो अगर उसका रेशियो फ्रेंड 75:72 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट 72 है और दर्शा कितना रहा है, 75। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा है, तो वो फ्रेंड कैसी हो जाएगी, इनलार्ज स्केल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको यहाँ फिक्स नहीं है 5:1 हो सकता है यहाँ पर 7 हो, यहाँ 2 हो, ठीक है ना, तो भी वही बात होगी। जैसे मान लो यहाँ पर रेशियो कितना लिख दूँ मैं, 7:2, तो भी इसका मतलब यही है कि इनलार्ज स्केल की ये बात कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, 2 बड़ा, 2 यूनिट, और उसको दर्शा कैसा कितना रहा है, 7 यूनिट, यानी 2 को नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, इस वजह से ये स्केल कैसी हो जाएगी, इनलार्ज स्केल, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये होगी दूसरी स्केल। तीसरी स्केल में क्या होता है फ्रेंड, इसका उल्टा हो जाता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी थी, 5, बट उसने ड्राइंग शीट पर दिखाई कितनी, 1। ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी थी, 5, और ड्राइंग शीट पर उसने कितनी दिखाई है, 1 दिखाई है। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट बड़ा था और दिखा कैसा रहा है, छोटा। तो जब बड़े ऑब्जेक्ट को आप छोटा करके दिखाओगे तो कौन सी स्केल यूज़ करोगे, रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। कौन सी स्केल यूज़ करोगे, रिड्यूसिंग स्केल यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस केस में अब जैसे स्केल है, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट बड़ा था और ड्राइंग शीट में जो उसकी इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी, तो नीचे हमेशा कैसा रहेगा फ्रेंड, बड़ा, नीचे हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा, और ऊपर हमेशा कैसा रहेगा इसमें, छोटा, ठीक है। तो नीचे जब भी बड़ा होता है, ऊपर जब भी छोटा होता है, तो फ्रेंड क्या आंसर आपका एक से बड़ा आ सकता है, नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा आंसर आपका पॉइंट में आएगा अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस वजह से इसका स्केल फैक्टर हमेशा एक से कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है ना, हमेशा एक से कैसा होगा, छोटा। तो इसमें भी जरूरी नहीं है 1:5 भी दे, वो आपको कुछ भी दे देगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 23:32 में बताइए जो स्केल फैक्टर है वो क्या होगा, या फिर कौन सी स्केल हम इस्तेमाल करेंगे, या फिर वहाँ पर अगर किसी वस्तु का स्केल फैक्टर 23:32 है, तो बताइए कौन सी स्केल है उसमें यूज़ होगी। तो आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, 32, दर्शा कितना रहा है, 23, यानी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। तो फ्रेंड्स उसमें कौन सी स्केल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग स्केल का, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग स्केल के लिए स्केल फैक्टर हमेशा एक से कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, एक बार मैं फिर से तीनों पॉइंट बता देता हूँ। स्केल फैक्टर में 3 चीज़ें होती हैं, पहले स्केल फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऊपर जो होता है वो होता है कि ड्राइंग शीट में किसी रेखा की लंबाई अपॉन ऑब्जेक्ट की रियल लंबाई, ठीक है ना, शॉर्ट में अपने दिमाग में सेट कर लो, नीचे ऑब्जेक्ट की रियल लंबाई, ऊपर ड्राइंग शीट में किसी रेखा की लंबाई, ठीक है। अब स्केल फैक्टर 3 कंडीशन बन सकते हैं रेशियो में, या पहली कंडीशन बनती है कि आप ड्राइंग शीट पर और रेख और वास्तविक लंबाई दोनों बराबर हो, ठीक है ना, जितनी आप ड्राइंग शीट में किसी रेखा की लंबाई है उतनी ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई हो, तो उस केस में स्केल फैक्टर कितना होता है, 1:1, और उस केस में जो स्केल होता है वो फुल साइज स्केल होता है, और स्केल फैक्टर हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर अगर नीचे कैसा हो जाए, बड़ी वैल्यू आ जाए, ऊपर कैसी आ जाए, छोटी, यानी बड़े नीचे बड़ी आ गई तो इसका मतलब ऊपर छोटी है, इसका मतलब कि बड़ी वैल्यू को छोटा करके दिखा रहा है, तो वो आपकी रिड्यूसिंग स्केल हो गई और स्केल फैक्टर हो गया आपका 1 से छोटा। और अगर ऊपर बड़ी आ जाए, नीचे छोटी आ जाए, यानी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा रहा है, तो वो हो गया इनलार्ज स्केल और स्केल फैक्टर होगा हमेशा 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये स्केल फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसी स्केल फैक्टर के की बेस पर BIS के अनुसार BIS ने क्या किया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पहले भी मैंने आपको समझाया इसके बारे में। तो BIS के अनुसार ये जो स्केल फैक्टर है, इनके बेस्ट पर जो स्केल होती है फ्रेंड, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। याद रखना है किसकी बेस्ट पर, इन रेशियो की बेस्ट पर, इन स्केल फैक्टर की बेस्ट पर। जो आपकी स्केल होती है वो 3 टाइप की होती है, पहला है फुल साइज स्केल, दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल,
तीसरा है इनलार्जिंग स्केल, ठीक है ना। फुल साइज का मतलब हिंदी में पूर्ण आकार पैमाने, और रिड्यूसिंग स्केल का लघुकरण पैमाने, और इनलार्जिंग स्केल का मतलब होता है विस्तारक पैमाने, ठीक है ना। तो तीन टाइप की स्केल BIS के अनुसार है, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपको बताने की जरूरत है इनको, आप खुद ही पहचान लोगे। बताइए फुल साइज स्केल कौन सी होगी, या फुल साइज स्केल का स्केल फैक्टर कितना होगा। तो फुल साइज का मतलब क्या हो गया कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, वही तो दिया है पूर्ण आकार पैमाना, यानी जितना बड़ा आकार है उतनी बड़ी आप उसकी ड्रॉइंग शीट में ड्रॉइंग बनाओगे, तो स्केल फैक्टर कितना होगा, 1:1 होगा, या स्केल फैक्टर हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल में क्या कर रहा है, रिड्यूस करना, यानी ऑब्जेक्ट बड़ा है और ड्रॉइंग कैसी है उसकी, छोटी, यानी नीचे बड़ा होगा ऊपर कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो उस केस में जो आपका स्केल फैक्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा, 1 से छोटा मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तीसरा इनलार्जिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल का मतलब कि नीचे छोटा ऊपर बड़ा, अगर नीचे छोटा ऊपर बड़ा है फ्रेंड, तो उसका स्केल फैक्टर हमेशा कितना होगा, स्केल फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इन्हीं स्केल फैक्टर के बेस पर इसने BIS के अनुसार तीन साइज के क्या है, पैमाने हैं या फिर स्केल है, वो फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इनलार्ज स्केल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों स्केल के बारे में अलग से समझते हैं कि तीनों स्केल कैसे होती हैं और इनसे क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्केल को पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। टाइप ऑफ स्केल को पढ़ने से पहले एक शब्द और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है निरूपक भिन्न, ठीक है ना। निरूपक भिन्न क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको स्केल फैक्टर बताया था, बिल्कुल सेम स्केल फैक्टर ही कोई एक तरीके से आप, मैं ये बोल सकता हूँ कि स्केल फैक्टर का दूसरा नाम होता है निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। मैंने स्केल फैक्टर समझाया था और अब आपको बताने जा रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। दोनों का मतलब एक ही होता है फ्रेंड्स, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, बट कई बार क्वेश्चन आपका स्केल फैक्टर करके पूछा जाता है और कई बार आपका ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर करके पूछा जाता है, इस वजह से मैंने दोनों आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फिर निरूपक भिन्न, आपको जो आपका न्यूमेरिकल होता है ना, वहाँ पर मेनली निरूपक भिन्न लिख के आता है हिंदी में, बोलेगा कि एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इसका निरूपक भिन्न निकालिए क्या होगा, ठीक है ना। तो जब भी निरूपक भिन्न आपको निकालना हो, तो जो स्केल फैक्टर का सूत्र होता है वही सूत्र आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या निरूपक भिन्न बराबर प्रदर्शित माप अपॉन वास्तविक माप। अब बताइए ये फॉर्मूला जो मैंने अभी स्केल फैक्टर में आपको बताया था, उसमें कोई अंतर है, वहाँ पे भी यही था, नीचे वास्तविक माप हम लोग लिखते थे कि ऑब्जेक्ट की जो वास्तविक माप होती है उसे नीचे लिखते थे, और जो हम उसको जो उसकी प्रदर्शित माप होती है, जो हम ड्रॉइंग शीट में उसे बना रहे हैं और उसे दिखा रहे हैं, तो वो होती है उसकी प्रदर्शित माप, उसे ऊपर लिखा जाता था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि स्केल फैक्टर और आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या निरूपक भिन्न का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की डायमेंशन हमेशा नीचे और जो आप ड्राइंग शीट में बना रहे हैं उसे ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या वास्तविक भिन्न। अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का, तो ये होगा कि किसी वस्तु की वास्तविक माप, ठीक है ना। अब और ऊपर क्या होगा कि किसी वस्तु की ड्राइंग शीट में प्रदर्शित माप, कि ड्राइंग शीट में आपने किसी वस्तु की जो माप को प्रदर्शित किया है वो अपॉन वस्तु की वास्तविक माप, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की बेस पर हमने तीन टाइप्स के स्केल डिवाइड कर रखा है स्केल को। पहला है हमारा फुल साइज्ड स्केल, ठीक है ना, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बस अभी समझाया था। दूसरा होता है रिड्यूसिंग स्केल, जिसे लघुकरण स्केल भी पैमाना बोलते हैं, और तीसरा होता है इनलार्जिंग स्केल, जिसे विस्तारक पैमाना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के स्केल हैं, इनको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि पूर्ण आकार पैमाना, तो मैंने अभी आपको बताया था पूर्ण आकार फुल साइज, इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्केल कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी उसकी डायमेंशन आपको ड्रॉइंग शीट में दर्शाए, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट मान लो 70 mm का है, अगर उसका ड्रॉइंग शीट में भी 70 mm की अगर आप लाइन खींच के उसे बना रहे हो, तो वो आपका कौन सा होगा, फुल साइज्ड स्केल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फुल साइज्ड स्केल में जो आपकी ड्राइंग साइज होती है वो हमेशा फ्रेंड वस्तु के आकार के बराबर ही होती है, ठीक है ना। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी आपकी ड्राइंग का आकार होगा या फिर उस ड्राइंग का साइज होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो फुल साइज स्केल में ड्राइंग साइज हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, इस वजह से यानी जितना ये प्रदर्शित माप होगा फ्रेंड, जितना जैसे मान लो ये 7 है, तो वास्तविक माप भी कितना होगा, यहाँ पर 7 होगा। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि अगर वस्तु का जो वास्तविक माप है वो 7 है और आप प्रदर्शित भी उसे 7 ही कर रहे हो, तो समझ लेना वो आपकी कौन सी स्केल हुई, फुल साइज स्केल हुई। क्यों, क्योंकि जब आप इसे काटोगे फ्रेंड्स, तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1, और ये मैंने अभी आपको समझाया था 1:1 मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी उसकी प्रदर्शित माप है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बोल देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आएगा।
कि किसी वस्तु की लंबाई 70 mm है और उसे ड्राइंग शीट पर बनाते समय 70 mm ही दर्शाया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 70 mm है और उसे ड्राइंग शीट पर बनाते समय स्केल के द्वारा 70 mm ही दर्शाया गया, तो उसका निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि तो उसका निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, दूसरा तो उस तो आप ये बताइए कि उसका स्केल कैसा होगा, और तीन ऑप्शन इनमें से रख देगा, इनलार्जिंग स्केल होगा, रिड्यूसिंग स्केल होगा, या आपका फुल साइज स्केल होगा, ठीक है। तो दो ही क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, या तो निरूपक भिन्न या फिर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, वो निकलवा लेगा आपसे, ठीक है ना। और या फिर आपसे क्या पूछेगा कि वो किस टाइप की स्केल होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वस्तु की लंबाई 70 mm है तो हमें क्या निकालना है, निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो मैंने बताया कि प्रदर्शित माप, अब देखो वस्तु की लंबाई कितनी है 70, तो जो वस्तु की लंबाई होती है वो हमेशा हम नीचे रखते हैं, ठीक है। तो 70 mm ये हो गई वस्तु की लंबाई, ठीक है। और ऊपर क्या रखते हैं कि आप ड्राइंग शीट में कितना उसे दिखा रहे हो, तो ड्राइंग शीट में कितना दिखाया जा रहा है, 70 ही दिखाया जाता है, ठीक है ना। यानी 70 mm का ऑब्जेक्ट है और ड्राइंग शीट पर भी उसको 70 दिखाया जा रहा है, तो ये 70 से 70 यहाँ पर कट जाएगा और रेशियो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो निरूपक भिन्न या फिर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होगा वो होगा 1:1। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो हो गया 1:1। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है जहाँ वो आपको घुमा देगा, कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है। वो क्या याद रखना है कि अगर वो नीचे, अगर आप mm ले रहे हो फ्रेंड, तो ऊपर भी आपका mm ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर मीटर है और आपने काट दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और यही वो चेंज करके देगा 101%, ठीक है। और आपको याद रखना है कि दोनों तरफ यूनिट हमेशा कैसी रहनी है, सेम रहनी है, ठीक है ना। और जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकल के आता है उसकी कोई इकाई नहीं होती, ऐसा नहीं होगा 1:1 cm, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रेशियो और रेशियो में इकाई कट जाती है, इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फिर निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती है। तो क्लियर हुआ, इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाता है, और ये होता है आपका फुल साइज स्केल, ठीक है। अब आते हैं हम लघुकरण स्केल, ठीक है। तो लघुकरण स्केल का नाम से पता चल रहा है, लघुकरण करना यानी कि उसको छोटा करना, वस्तु बड़ी है उसको छोटा करना, यानी कि वस्तु बड़ी, जैसे यहां वस्तु कितनी थी 7 और उसको छोटा करके तुमने यहां पे लिख दिया, ड्राइंग शीट पे बना दिया 3, ठीक है ना। यानी वस्तु कितनी बड़ी थी 7 और तुमने उसे ड्राइंग शीट पे कितना बना दिया 3, तो आपने वस्तु को क्या कर दिया, लघुकरण कर दिया। तो इसमें आपने कौन सी स्केल इस्तेमाल की, रिड्यूसिंग स्केल इस्तेमाल की, ठीक है। तो रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है कि जो ड्राइंग साइज होता है वो वस्तु के आकार से कैसा होता है, छोटा, ठीक है ना। यानी वस्तु का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, और ड्राइंग साइज कैसा होगा, छोटा, यानी बड़े ऑब्जेक्ट को। एक बार क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया कि बड़ी बड़ी मशीन के पार्ट्स जो होते हैं उनको ड्राइंग शीट पर दर्शाने के लिए हम किस स्केल का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछेगा। तो अच्छी तरीके से पॉइंट याद रखने हैं कि बड़ी बड़ी वस्तु मशीनों के पार्ट्स को ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए हम किस स्केल का इस्तेमाल करेंगे, तो जब बड़ी पार्ट्स हैं तो हमें छोटा करके दर्शाना पड़ेगा, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लघुकरण पैमाने का या फिर हम रिड्यूसिंग स्केल का। क्लियर हुआ यहाँ तक, ऐसे इस तरीके से पूछेगा कि मशीन के छोटे छोटे पुर्जों को ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए हम किस स्केल का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर पुर्जे छोटे छोटे हैं, पार्ट्स छोटे छोटे हैं फ्रेंड्स, तो उसके हमें बड़ा करके दर्शाना पड़ेगा, तो बड़ा करके दर्शाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनलार्जिंग स्केल या फिर विस्तारक पैमाने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक, तो रिड्यूसिंग स्केल में जो ड्राइंग साइज होता है हमेशा छोटा होता है वस्तु के आकार से। उसके बाद अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है जो पूछा गया है कि वस्तु की, यदि किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 20 मीटर है और उसको ड्राइंग शीट पर 200 mm में दर्शाया गया है, तो उसकी निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वस्तु की वास्तविक लंबाई कितनी है फ्रेंड, 20 मीटर, और दर्शा कितना रहा है 200 mm। तो सबसे पहले तो यही देखिए कि यहाँ पर क्या दे रखा है, मीटर, और यहाँ क्या दे रखा है, mm में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों सेम होने चाहिए तभी आपको काटना है, ठीक है। तो हम मीटर को किस में चेंज कर लेंगे, mm में, और ये वस्तु की लंबाई है तो ये 20 मीटर कहाँ आएगा, नीचे। अभी मीटर था तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो 1000 mm होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000, और इसको 200 mm में दर्शा रहा है, तो जो दर्शाई गई माप होती है वो होती है ऊपर, तो ये भी mm में हो गया, ये भी mm में हो गया, काट देंगे, देखो इससे 0 से 0 कट गया, बराबर 1/100 कितना बचा, 100। तो फ्रेंड्स इसकी जो निरूपक भिन्न होगी वो कितनी होगी, 1:100। अब आप ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, 100, बट उसको दिखाया कितना उसने, 1, यानी कि 100 वाली वस्तु को वो 1 करके दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लघुकरण तो कर रहा है, रिड्यूसिंग उसका जो साइज है उसको रिड्यूस ही तो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेशियो देख के ही पहचान लो कौन सी स्केल है, बड़ी चीज़ को छोटा करके वो दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका जो निरूपक भिन्न होगा या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा वो 1:100 होगा। उसके बाद देखिए, इस सभी रिड्यूसिंग स्केल, जितने भी रिड्यूसिंग स्केल होते हैं उसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 आएगा फ्रेंड,
न्यूमरेटर हमेशा आपका एक आएगा, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू हमेशा एक है तो समझ लेना वो आपका कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग स्केल होगा, ठीक है। इस वजह से हमेशा रिड्यूसिंग स्केल के जो जितने भी रेशियो बनेंगे फ्रेंड, वो 1:x की फॉर्म में बनेंगे। 1:x का मतलब क्या है कि इधर तो फिक्स रहेगा 1, इधर जो आप लिखना चाहो 5 लिख लो, 7 लिख लो, 10 लिख लो, 12 लिख लो, अलग अलग वैल्यू आती रहेंगी, बट इधर कितना रहेगा 1। यानी जनरल फॉर्मूला क्या होता है एक तरीके से कहें रिड्यूसिंग स्केल का, तो 1:x होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1:x अगर है जनरल फॉर्मूला तो बताइए वो किस टाइप की स्केल होगी। तो अगर न्यूमरेटर एक आ रहा है फ्रेंड तो समझ लो वो रिड्यूसिंग स्केल है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, इनलार्जिंग स्केल या विस्तारक पैमाने को, ठीक है। तो इनलार्ज स्केलिंग में आपको नाम से पता चल रहा है इनलार्जिंग या विस्तारक। इनलार्जिंग मतलब बड़ा करना, यानी ऑब्जेक्ट छोटा है आप उसे बड़ा करके दिखा रहे हो, तो वो स्केल कैसी होगी, इनलार्जिंग स्केल, ठीक है। तो ड्राइंग स्केल इसमें कैसी होगी, बड़ी, जबकि वस्तु का आकार कैसा होगा, इसमें छोटा होगा। छोटी चीज़ को जब हमें बड़ा करके दर्शाना पड़ता है तो हम इस्तेमाल करते हैं इनलार्जिंग स्केल का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया है, देखिए वास्तविक लंबाई कितनी है 30 mm, और दिखा कितना रहा है फ्रेंड, ड्राइंग पर कितना दिखा रहा है 10 mm, ठीक है ना। जो वास्तविक लंबाई 30 mm और ड्राइंग पर, ये गलत हो गया क्योंकि ये इनलार्जिंग है, तो ड्राइंग पर 40 कर लो यहाँ पर, ठीक है। वास्तविक लंबाई कितनी है 30 mm और दिखा कितना रहा है, एक मिनट रुकना मैं बता रहा हूँ इसे। सही है, सॉरी मिस्टेक हो गई। देखो वास्तविक लंबाई कितनी है 30 mm और ड्राइंग पर कितना दिखाएगा 10 mm। तो वास्तविक लंबाई अगर फ्रेंड 30 mm है तो नीचे कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे, ठीक है ना। वास्तविक लंबाई अगर 30 mm है तो नीचे कितना लिखेंगे फ्रेंड 30 लिखेंगे, और उसके बाद देखिए फ्रेंड इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है कि वास्तविक लंबाई 30 mm है और ड्राइंग पर वो कितना दर्शा रहा है 60 mm, ठीक है। तो वास्तविक लंबाई अगर फ्रेंड 30 mm है और ड्राइंग पर वो 60 दर्शा रहा है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होगा, तो 1/2 ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2:1 ये होगा फ्रेंड इसका ड्राइंग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फिर निरूपक भिन्न, ठीक है ना। तो 2:1 आया, तो इसमें देखिए पीछे क्या आया 1, तो ये इसकी पहचान होती है कि जो आपका इनलार्जिंग विस्तारक पैमाने होते हैं इसमें हमेशा डिनोमिनेटर कैसा होता है एक होता है, यानी नीचे वाली वैल्यू हमेशा कैसी होगी एक। इस वजह से इसको 1:1 में रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा स्केल टॉपिक कंप्लीट हुआ। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से फिर देखना, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से टॉपिक अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। जो छोटा टॉपिक है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ वो कौन सा है, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है पिन, क्लिप्स और सेलो टेप, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें और हैं। इंजीनियर ड्राइंग में पिन का इस्तेमाल होता है, क्लिप का इस्तेमाल होता है और सेलो टेप का इस्तेमाल होता है। तीनों का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो आपको इमेज में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इमेज देख के समझ जाना कि पिन क्या होती हैं, सेलो टेप्स क्या होते हैं, और जो तीसरा क्या है क्लिप्स क्या होती हैं। तो तीनों की इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पिन का इस्तेमाल क्या होता है, अगर आपने पहली क्लास ली होगी अगर, या फिर आपने वो वाला ड्राइंग शीट आपने जो क्लास थी जिसमें मैंने ड्राइंग शीट समझाई थी उसे लिया होगा, तो आपको पिन का मतलब पता होगा, ठीक है। तो पिन का मैंने आपको जब ड्राइंग शीट ली थी तो मैंने आपको बताया था कि जब ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर रखते हैं तो उसके चारों कोनों पर हम एक एक पिन लगा देते हैं जिससे हमारी ड्राइंग शीट उड़े ना, ठीक है ना। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट का काम एक ही होता है फ्रेंड, वो होता है कि ड्राइंग शीट को एक जगह फिक्स कर देना जिससे वो वहाँ से उड़े ना और हमारी ड्राइंग खराब ना हो, ठीक है ना। तो हम ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए पिन का भी इस्तेमाल करते हैं, सेलो टैप का भी इस्तेमाल होते हैं, चारों जो कोने होते हैं वहाँ पर सेलो टैप लगा लो तो सीट उससे चिपक जाएगी ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड से, और आप आसानी से अपनी ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। और हम इसका जो पिन होती है उनका भी इस्तेमाल करते हैं, सेलो टैप का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ क्लिप्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है ना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा इन तीनों में से हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो
आपका पिन है, ठीक है ना, उसके बाद सेलो टेप है, उसके बाद क्लिप्स है, तो सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता है ड्राइंग बनाते समय, तो आपको याद रखना है सेलो टेप का, ठीक है। पिन का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम पिन किसी बोर्ड में लगाते हैं फ्रेंड, तो ड्राइंग बोर्ड में छेद हो जाता है, फिर वो छेद क्या करता है टी स्क्वायर को चलने में या फिर मिनी ड्राफ्टर को चलाने में दिक्कत पैदा करता है। इस वजह से हमें जो पिन होती हैं उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए ड्राइंग बोर्ड में, ठीक है ना, ड्राइंग बोर्ड या ड्राइंग शीट पर अपनी आर्ट बनाते समय, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पिन, सेलो टेप और क्लिप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ड्राइंग के समय हम किसका करते हैं, सेलो टेप, ठीक है। तो बस इतना ही था इस टॉपिक में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारी यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हमने ड्राइंग टूल्स के बारे में समझा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पूरा का पूरा समझा। ये यूनिट आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट होती है आज, ठीक है ना। और इस यूनिट में जितने भी चैप्टर है आपकी क्लासें चली हैं, ऑलमोस्ट 7 क्लासें आपकी मैंने चलाई हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 2 या 3 घंटे में पूरी क्लास आराम से ले लोगे, एक बार दोबारा से सारी क्लासों को रिवाइज कर लेना, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाए, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उन सब पॉइंट्स को दोबारा से याद कर लेना, क्योंकि कल की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो, या जो पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कल की क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में जरूर आना है आपको, और याद करके आना है, और कोशिश करना है कि सारे के सारे आंसर आप हमसे पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है। और इतने अपना पूरा स्कोर भी देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया, और उस स्कोर को हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और ये चैप्टर आपका हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको बस इस चैप्टर को, मतलब इस तरीके से तैयारी करनी है कि अब ये चैप्टर आपको एग्जाम टाइम पे ही खोलना है, बीच में बिल्कुल नहीं खोलना है, ठीक है। बीच में अगर धोखे धड़ाके से कोई क्वेश्चन सामने आ जाए तो देखते ही पहचान लो कि हाँ ये सर ने कराया था, इसका आंसर ये होगा। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और बाकी यही कहूँगा कि आप कोशिश में लगे रहो, मेहनत करते रहो, 101% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी आपकी गारंटी है, अगर आप मेहनत करते हो पूरी ईमानदारी के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।